सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंस्पायर एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एमपीपीएटी एग्जामिनेशन के बारे में, है ना। एमपीपीएटी एग्जामिनेशन में आज हम लोग मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ओके। और दूसरी चीज कि आपको ये कोर्स कहाँ मिलने वाला है, तो ये इंस्पायर एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको जाकर के देखना है और वहीं पर आपको ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है, ठीक है। इस दो नंबर्स दिए हैं, इनमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन सेंटर का पता चाहते हैं तो ये हमारा ऑफलाइन सेंटर का पता है, जो कि बालाघाट में पिंचा गली के पास में, ओके। और आज से हम लोग मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। वन बाय वन हम पूरा मैथमेटिक्स कम्प्लीट करेंगे, ओके। और कौन कौन से ग्रुप्स स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स है अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये हम एमपीपीएटी का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और सबसे पहले मैं बात करूं तो मैं कुछ अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि क्या होता है कि टीचर का इंट्रोडक्शन जरूरी होता है स्टूडेंट्स को। तो ये अबाउट मी में अगर मैं बात करूँ तो मैं इंस्पायर अकेडमी में अभी एज अ ट्यूटर वर्किंग हूँ। और मेरा नाम है सिद्धार्थ सोनी और मैंने बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड से ही मैंने अपना इंजीनियरिंग किया हुआ है। दूसरी चीज कि मैंने गेट भी क्वालिफाइड किया हुआ है, ठीक है, मैंने गेट क्वालिफाइड किया है। और नेक्स्ट चीज में मैंने अभी 2 साल से इस फील्ड में टीचिंग का काम कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस भी मुझे अच्छा खासा है। और मेरे ही कुछ स्टूडेंट अच्छे से सिलेक्ट होके जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेरा और स्टार्ट करते हैं आज के बैच का, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा तो आज हम लोग एमपीपीएटी फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, जितने भी एग्रीकल्चर ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने वाले। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एमपीपीएटी में 3 ग्रुप के स्टूडेंट्स देने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसमें मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो दो ग्रुप के स्टूडेंट्स में मैथ्स आती है, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर ग्रुप है और मैथमेटिक्स ग्रुप है। अगर मैं मैथमेटिक्स ग्रुप की बात करूँ तो उसका सिलेबस अलग है, है ना। मैथमेटिक्स ग्रुप में अगर जो भी बच्चा पीएटी की तैयारी करे तो उसका सिलेबस बिल्कुल अलग है। उसमें आपको 10 यूनिट्स दी है और 100 मार्क्स का उसमें आपको मैथमेटिक्स पूछा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर वाले ग्रुप की स्टूडेंट्स की बेटा, तो एग्रीकल्चर वाले जो भी ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस कुछ डिफरेंट है। तो उसी के सिलेबस के बारे में एक छोटे से डिस्कशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है मेन लेक्चर पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले अगर हम लोग उसके रास्ते को जान ले, है ना, उसके सिलेबस को हम लोग को पता हो, ये तो हम लोग को क्या होगा कि ईजी होगा पढ़ने में, है ना। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स वो करेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो हम पेन ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एमपीपीएटी एग्जामिनेशन का एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की, देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया ये पॉइंट को कि स्पेशली ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट, जो भी बच्चा क्या कर रहा है AG1 AG2 और AG3 ग्रुप से एग्जाम दे रहा है ना, AG1 AG2 और AG3 ग्रुप से अपनी एग्जाम दे रहा है पीएटी की, तो उनके लिए जो है ये बेनिफिशियल है, ठीक है। अब ये मैथ्स का सिलेबस है हमारा एमपीपीएटी एग्जामिनेशन का AG1 में। तो AG1 में आपके वैसे तो 4 सब्जेक्ट रखा जाता है, तो 4 सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे पहला मैथ्स है, ठीक है, दूसरा आप सभी का बायोलॉजी है, तीसरा केमिस्ट्री है और चौथा इसमें फिजिक्स को रखा गया। तो इसमें जो है बेटा 25 मार्क्स का इसमें आपको पूछा जाता है ना, 25 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है। तो इसमें मैथमेटिक्स आपकी जो है एग्रीकल्चर वालों के लिए 25 मार्क्स है। 25 मार्क्स को कवर करने के लिए छोटा सिलेबस बनाया गया है फॉर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट। क्या होता है, उन लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं होता क्योंकि 11th 12th में उनको मैथमेटिक्स का बहुत कम पोर्शन रहता है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन क्या होता है कि अब जो हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ओके स्टार्ट करते। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं बेटा तो सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक रखा है इसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी, है ना, क्योंकि 10th में सबसे बेस्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ते थे जी, क्योंकि सभी बच्चों ने 10th में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी, कि एक आपको श्रेणी दे देती है सिक्वेंस वाइज, है ना, एक सिक्वेंस में आपको श्रेणी देती है। लाइक अगर एक थोड़ा सा बेसिक एग्जाम्पल में 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्या होती है, एक
अंतर में जो क्या ये आगे बढ़ते जाती है, तो इसको समांतर श्रेणी जब भी हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में हम बहुत डीपली उसमें डिस्कशन करेंगे। उसके बाद बेटा इसी में जो सेकंड चैप्टर रखा गया है वह है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, हम लोगों ने अभी क्या देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता है समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। तो हम लोग गुणोत्तर श्रेणी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। इसी को हम लोग एपी जीपी कहते हैं ना, क्या होता है हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जीपी, है ना। तो ये दो हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले। इसी के बाद फिर जो थर्ड चैप्टर हम लोगों को पीएटी में दिया हुआ है फॉर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, ये है बेटा लॉग लॉग रिथम्स एंड कॉमन लॉग रिथम्स। ओके, जो लॉग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, है ना, लॉग का एडिशन क्या होता है, लॉग की क्या क्या वैल्यूज होती है, तो उन सारी चीज़ों का इसमें बेसिक रूप से डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग कंप्लीट लॉग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि लॉग में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, क्यों यूज़ करना चाहिए लॉग, कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंडीशन में लॉग हमारा यूज़ होता है, उस सारी चीज़ों का हम लोग वन बाय वन डिस्कशन करेंगे किस चैप्टर में, लॉग वाले चैप्टर में। तो ये तीन चैप्टर आपके मेन थे, ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपके मेन है। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये कैलकुलेशन बेस्ड है ना बेटा, ये पूरे कैलकुलेशन बेस्ड। तो आगे जैसे फिर और बढ़ते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी में रखा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही, क्योंकि हम लोग सिक्स क्लास से उस चैप्टर को पढ़ते आ रहे, सिक्स लेकर ट्वेल्थ टेंथ तक उसमें बस छोटा छोटा पोर्शन करते करते हम लोगों ने पूरा कवर किया और वही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई। तो बहुत ही स्पेशल चैप्टर से, तो ये है हमारा बेटा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तो ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आई होप कि आप लोगों को भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और नहीं भी होगा तो हम लोग इसको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको पसंद आने लगेगा, क्योंकि इसके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं बेटा ये चैप्टर के। जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को वन बाय वन, जब इसका डिस्कशन करेंगे तो एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मैं छूटने नहीं दूंगा, क्योंकि इसका इतना अच्छे से हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पीएटी में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कि एमपी पीएटी में आ रहे हैं, तो वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री जो है यहीं से पूछे जा रहे हैं, है ना। अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें उसमें दिखाऊँगा, ठीक है। इसी के बाद हम लोग जो है फिफ्थ नंबर का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिकोणमिति, इसको त्रिकोण मिति। अच्छा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा। त्रिकोण मिति, लॉग को तो लॉग ही कहते हैं, इसको लघुगणक कहते हैं एक्चुअल में, इसको अगर मैं बात करूँ तो इसको लघुगणक कह सकते हैं, है ना। इसको लिख लेना बेटा लघु गणक, है ना, इसको आप लोग कह सकते हैं लघुगणक करके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसी बेसिस पे अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करूँ तो गुणोत्तर क्या है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको हो सकता है समझ में ना आए तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको लिख लेना, है ना। तो वही वाले चैप्टर से जो हिंदी मीडियम में, वही इंग्लिश मीडियम में मैंने करके लाया था। तो चार चैप्टर हमने डिस्कस किया, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री। इसी के बाद जो पाँचवा नंबर का चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स, इसी को हम लोग कहते हैं सांख्यिकी, सांख्यिकी, है ना। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सांख्यिकी। तो इसमें हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। सांख्यिकी में क्या क्या होता है, माध्य, मानक, विचलन, ये जो ये सारे जो टॉपिक्स हैं जो भी हम लोग बचपन से, क्योंकि ये सारे हमने पढ़े हुए हैं, ये सिक्स्थ से लेकर टेंथ तक का सिलेबस ही दिया हुआ है ना, पांच चैप्टर्स में सिक्स क्लास से लेकर टेंथ तक का जितना भी कंप्लीट सिलेबस उसी को उठा के यहाँ पर डाल दिया पीएटी। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हैं टेंथ के बाद मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ते, उन लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स, है ना। टेंथ के बाद वो क्या पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स। तो उनके लिए, क्योंकि ये टेंथ तक उन्होंने पढ़ा हुआ है, उन्होंने टेंथ क्लास तक इस सारे सब्जेक्ट पढ़ा हुआ और ये सारा उन लोगों ने जो है चैप्टर्स भी पढ़े हुए हैं, तो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को और अपग्रेड करने के लिए ये चैप्टर्स यहाँ पर डाला गया। तो ये था हमारा कंप्लीट सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, इसी को हम लोग एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स। अगर आप एम पी पी टी का सिलेबस देखेंगे तो इसमें एग्रीकल्चर मैथ्स करके पोर्शन बनाए और एग्रीकल्चर मैथ्स में ये सारा कंप्लीट,
ठीक है, तो ये 5 चैप्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाँ, अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं इसके लिए मैं इंपॉर्टेंट बात आपको डिस्कस कर दूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करूंगा, जो भी हमारे चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक और लॉग पढ़ेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्री क्यों सर? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है पीएटी का कोर्स बहुत इंटरेस्ट के साथ और अच्छे से शुरू करें, है ना। तो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में। वन बाय वन पहले हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लेंगे कम्प्लीटली, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे, क्योंकि यूज होता है ना ये अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, लॉगरिथम और स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का भी कहीं कहीं। तो इस वजह से बहुत बेसिक चीज से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से कोर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज से ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे और मेन क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ से समझ में आई होगी, ठीक है। मैं क्लीन कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग आज के कोर्स को स्टार्ट करें। तो जिसको भी पानी पीना है पानी पी ले, और जिसको भी 1 सेकंड का हम लोग ब्रेक लेते हैं और 1 सेकंड बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, या सो स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ही मैंने अभी बताया आपको कि ट्रिग्नोमेट्री यानी क्या होता है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोण मिति, है ना। क्या कहते हैं? त्रिकोण मिति। तो यहां क्लियरली दिख रहा होगा। अब ये जो त्रिकोण मिति है बेटा, अगर मैं इसकी व्हाट इज द कंडीशन बात करूं कि क्या होता है, त्रिकोणमिति दो शब्द से मिलकर बना होता है, त्रिकोण प्लस मिति। तो त्रिकोण मतलब क्या होता है, जैसे तीन, त्रिकोण मतलब हो जाएगा इसमें तीन कोण, तीन कोणों से। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब होता है तीन कोण प्लस मिति का मतलब होता है माप। किसका माप? किसका? भुजाओं का माप। किस चीज का होता है? भुजाओं को। तो त्रिकोणमिति से मतलब है कि तीन कोण, ऐसे त्रिकोणमिति की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ मैथमेटिकल टर्म विच इज यूज फॉर डील्स विद द एंगल्स। कोण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल्स। एंड भुजाओं को हम लोग बोलते हैं साइड। तो त्रिकोणमिति से हम लोग समझते हैं कि हम लोग जिस में हम लोग भुजाओं और कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति की बात हो रही है तो बेटा अगर मैं इसमें बात करेंगे हम लोग त्रिभुज की, क्योंकि त्रिभुज ही ऐसी आकृति जिसमें क्या होती है, तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं, है ना। यहाँ पर मान लेते हैं ए है, ये बी कोण है और ये सी कोण है। तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और त्रिभुज में ही तीन भुजाएं होती है। तो पी क्यू, एक मान लो एक भुजा का पी क्यू है और ये PQS, है ना। तो तीनों भुजा कौन कौन सी? तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो तीन कोण कौन कौन से बेटा? कोण है सबसे पहला आपका कोण A, है ना, कोण B और कोण C। इसी में अगर मैं बात करूं भुजाओं की तो इसी में तीन भुजाएं होती है। तो इसी का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, इसी में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जैसे इसमें भुजाओं की बात करूं तो PQ एक भुजा हो गई, है ना, QS एक भुजा हो गई और एक PS भुजा हो गई। तीन भुजाओं और तीन कोण हो गए। तो ऐसे में हम लोग त्रिभुज जैसे आकृतियों को हम लोग डिस्कशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और इसी में हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं, नंबर्स ऑफ चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक बेसिक डेफिनेशन है, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री इज अ मैथमेटिकल टर्म विच डील्स विद द साइड्स एंड एंगल्स, है ना, साइड्स और एंगल्स में डील्स करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं एक बेसिक डेफिनेशन थी है, तो इसको आप लोग यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेंगे, है ना। एंगल्स और साइड्स का हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से समझ में आई होगी आप लोगों को, तीन एंगल होते हैं, ओके। इसी के बाद मैं बात करूँ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, है ना। अब ये थोड़ा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज की, ठीक है। बचपन से हम लोगों ने पढ़े थे कि
राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ, ठीक है, समकोण त्रिभुज की। सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है बेटा? जिसमें लंब और आधार के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसमें लंब और आधार के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, है ना। इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनता है। माना कि हमारा पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, ये एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास। इसमें बेटा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अभी हम लोग रेशियो देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होगा, है ना, कि अगर हम लोग साइन लेते हैं, कॉस लेते हैं, टेन लेते हैं, कॉट लेते हैं, सेक लेते हैं और कॉसेक लेते हैं, तो उनमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में क्या रेशियो होगा। इसमें जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ए बी को हम लोग बोलते हैं बेटा लंब, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लंब, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, इसको बोलते हैं हम लोग बेस आधार, है ना, हाइपोटेनियस बेस एंड लंब। तो ये इस तरीके से तीन चीजें होती है हमारी, लंब, कर्ण और आधार। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब, कर्ण और आधार आप सभी को समझ में आएगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। अब क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में? सिक्स टाइप्स के रेशियो होते हैं, है ना। सबसे पहला हमारा होता है साइन। अगर मैं बात करूँ साइन की तो एक साइन क्या एंगल है, है ना, साइन थीटा। तो अगर मैं इसमें इस वाले इसमें साइन की बात करूँ तो साइन बराबर होता है साइन थीटा से रूप से इसको सो करते हैं। तो हमारे यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ साइन थीटा की तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब लंब बटे कर्ण होता है तो लंब बटे कर्ण क्या होगा? इस वाले समकोण त्रिभुज में देख के बताइए लंब और कर्ण का अनुपात कितना होगा? तो ए बी अपॉन ए सी। तो इसमें बेटा ए बी अपॉन ए सी से सो करते हैं ना, तो ये साइन को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज बेसिक है, ये चीज याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को, है ना। तो अगर मैं साइन की बात करूँ तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या हो गया बेटा? ए बी अपॉन ए सी। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा की, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेटा? कॉस थीटा बराबर होता है सर हमारा आधार बटे कर्ण, है ना। इसका जो रेशियो होता है इसको लिखिएगा आधार बटे कर्ण। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए आधार क्या है और कर्ण क्या है, उसके बेसिस पे आप बताइए कि इसका रेशियो क्या होगा। तो इसमें जो है आधार क्या हो गया बीसी और ये क्या हो गया कर्ण क्या हो गया एसी। आधार क्या हो गया बीसी बटे एसी, है ना। तो ये इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? कॉस थीटा का भी हमने निकाल लिया, आधार बटे कर्ण के हिसाब से हम लोगों ने ये चीज निकाल ली। इसी के बाद अगर मैं बात करूं जो नेक्स्ट रेशियो है हमारा वो है बेटा टेन थीटा, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है टेन थीटा का। तो इसका जो मेन है ये क्या आ जाएगा? लंब बटे आधार। इसका जो रेशियो होता है उसको लिखिएगा लंब बटे आधार, है ना। अब इसका बेसिक होता है क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में इतना ज्यादा इसमें डीप में नहीं है तो मैं इसमें डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे जो मैथमेटिक्स ग्रुप्स के हैं उनमें उनको डिस्कशन करना होता है कि कैसे आता है क्या आता है। तो आप लोगों के लिए इतना डीप में इस पे जाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो इसमें लंब बटे आधार के बेसिस पे आप क्या रेशियो निकालेंगे? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ये हमारा ये रेशियो हो गया। तीन रेशियो हम लोगों ने फाइंड लिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ही होता है कि जो कोण है उनके बेसिस पे आप लोग रेशियो निकाल के बताइए। उसी के बाद चौथा जो है हमारा आ जाएगा कॉट थीटा, है ना। कॉट थीटा क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण का? तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए बी। उसी के बाद में अगर मैं बात करूं सेक थीटा, सेक थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कर्ण बटे आधार। तो यहाँ सेक थीटा की जो वैल्यू आ गई कर्ण बटे आधार आ गई, तो ये ए सी अपॉन
बीसी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन। एक रेशियो हमारा और बच जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉसेक, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक। तो कॉसेक के लिए हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं इसको, तो सिक्स नंबर डाल के लिखिएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है हमारा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब के हिसाब से अगर मैं इसकी बात करूं तो कर्ण क्या हो गया बेटा आपके यहाँ पे, सी अपॉन बी। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, है ना, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वन बाय वन आप सारे को नोट कर लीजिए। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या हमको इसको याद रखना है, क्या हमको इसको बस याद ही रखना है, कैसे आया, क्या आया सर अभी हमको पता नहीं, ठीक है, कैसे हमको आया या कैसे। तो मैं इसको याद करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा आप सभी को, क्योंकि आप लोग एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं और जो भी फील्ड से आप लोग स्टूडेंट्स, बायोलॉजी भी हो सकता है या मैथमेटिक्स, तो इसमें आप लोगों को उतना नीड नहीं है उस चीज की कि है ना कि कहाँ से आ रहा है क्या, आपको बस इसको याद रखना है और इस पे जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें जो है बेटा कैसे आया और कैसे हम लोग इसको याद रखें, तो मैं इसको याद करने की एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा अभी आप सभी को। तो अगर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये आप सभी को याद रखना है कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा की बात करूँ, तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा साइन थीटा में आता है लंब बटे कर्ण। अगर मैं उसी समकोण त्रिभुज में कॉस थीटा की वैल्यू की बात करूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। उसी में मैं बात करूँ टेन थीटा की तो टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। और इसी में अगर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट रेशियो की तरफ की कॉट थीटा की बताइए सर, तो कॉट थीटा होता है आपका आधार बटे लंब, है ना, आधार बटे लंब हो जाएगा। उसी के बाद फिर कर्ण बटे आधार कौन सा, सेक थीटा, और कॉसेक थीटा में आपका आ जाता है कर्ण बटे लंब। तो इस तरीके से हम लोग वन बाय वन सारे रेशियोस को देख लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे रेशियो को लिख दिया इसके बेसिस पे, है ना। अब इसी में अगर मैं कर्ण को बोल दूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिएगा और इसके बेसिस पे आप लोग रेशियो निकाल लीजिएगा, तो वो निकलते बनता है, है ना। तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज में समझ लिए। अब मैं सर इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ, है ना, आप सभी को सर बहुत ज़्यादा हम लोग को इसको याद करने का बताइए, हम इतना याद नहीं कर सकते आप लोगों के मन में अगर ये डाउट, तो मैं इसको याद करने के लिए एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ आप सभी को, जिसका यूज करके आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आप सभी को, इसको क्लीन कर लेते हैं हम लोग। अब समकोण त्रिभुज में सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हाउ टू रिमेम्बर, है ना, कैसे हम इसको याद रखें। तो सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करता हूँ, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की, एक समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और 90 डिग्री का कोण बनता है लंब और आधार के बीच। ये हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार और ये हो गया हमारा कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया हमारा ए बी और ये सी, लंब कर्ण और आधार, आधार और इसके, ये भी समझ लिए। तो इसको याद करने के लिए बेस्ट ट्रिक है बेटा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, आपको ये चीज याद रखना है ना, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए हमारी बेस्ट ट्रिक है और इसी ट्रिक से हम लोग जो है उसको याद रखते हैं। क्या है हमारा बेस्ट ट्रिक, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम लोग सर कैसे याद रखना है तो मैं बताता हूँ वन बाय वन, अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लाल बटे कक्का में अगर मैं बात करूँ तो हमारा सबसे पहला क्या होता है, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं बात करूँ, पहला हमारा होता है साइन, है ना, तो सीक्वेंस वाइज इसको याद रखिए, कॉस टेन, ठीक है, फिर आता है आपका कॉट सेक एंड कॉसेक। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे इस तरीके सीक्वेंस आते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ से याद रख, लाल बटे कक्का में सबसे पहले हम लोग लेंगे बेटा लंब बटे कर्ण, इसको इस तरीके से इसका रेशियो बनाते हैं। तो लंब बटे कर्ण में जो ऊपर से अगर मैं बात करूँ कि अगर लंब ऊपर है यानी अंश में और कर्ण जो आधार में, तो इस तरीके से साइन थीटा का रेशियो शो कर रहा है ना, ये शो कर रहा है। इसी में फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये अगर जैसे ही मैं आधार बटे कर्ण की बात करूँ, आधार बटे कर्ण की बात करूँ, तो ये होता है हमारा कॉस थीटा, है ना, यहाँ से हम लोग इसको कॉस थीटा याद रख सकते हैं।
इसी में अगर मैं लंब बटे आधार की बात करूं तो नेक्स्ट कॉस के बाद क्या था हमारा 10। तो अगर अंश में जो है ऊपर वाली वैल्यू आ रही है और हर में ये नीचे वाली वैल्यू आ रही, तो इस कंडीशन में हमारा जो है ये साइन को शो करेगा आधार, अगर कॉस की बात करें तो कॉस आधार बटे कर्ण हो जाता है, और टेन की बात करें तो लंब बटे आधार हो जाते हैं, है ना। यहाँ से बहुत चीज यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही मिनट में क्या निकाल पा रहे हैं, है ना। अगर हमको एग्जाम में जाके इसको डायरेक्टली याद रखना है तो इस तरीके से हम लोग इसको निकाल पा रहे हैं। इसी के बाद टेन के बाद आता है बेटा कॉट थीटा, तो फिर वहां से रिपीट करिए इसको, नीचे से ऊपर रिपीट करिए, है ना। तो इसको फिर नीचे से ऊपर की तरफ रिपीट करिए, तो ये आधार इस तरीके से ऊपर जाएगा और लंब को हर मिला लेगा, तो यहां पर आ जाता है आपका कॉट थीटा, यहां पर आपका आ जाता है कॉट थीटा। फिर यहां से नीचे से ऊपर जाइए, कर्ण बटे आधार, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण, और एल का मतलब होता है लंब। हाँ, यहां पर मैं ये चीज भी बताना भूल गया था आपको, एल का मतलब होएगा लंब, ठीक है, के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आपका आधार, है ना। तो यहां से आपको रिमेंबर करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई, ट्रिक के बेसिस पे हम लोग इसको याद रखते, तो ये इस तरीके से हमने बनाया। उसके बाद ये हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार में ये क्या शो कर देगा आपका सेक थीटा, है ना। सेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटे आधार, इसको हम सेक थीटा बोल सकते हैं। फिर कर्ण बटे लंब हो जाएगी यहां पर कॉसेक। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि अगर मैं साइन की बात करूं तो बेटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और उसी में उसके अपोजिट अगर हम कर दे कि कर्ण बटे लंब कर दे उसको, लंब बटे कर्ण करेंगे साइन आ जाता है, और कर्ण बटे लंब उसको कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कॉसेक थीटा आ जाता है। तो सर ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए ना, एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। साइन किसके अपोजिट में आ रहा है, कॉसेक के अपोजिट में आ रहा है। आधा ये क्या हो रहा है, कॉस किसके अपोजिट में आ रहा है, सेक के अपोजिट में आ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, हम लोग सिर्फ उसको उलट पलट कर दे रहे हैं ना, अंश की जगह हर को रख दे रहे हैं, हर की जगह अंश को रख दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या हो रहा है सर, चेंज हो रहा है ना, ये इस कंडीशन में क्या हो रहा है सर, ये तो बहुत बड़ा चेंज हो गया। इसी के बाद जैसे लंब और आधार की बात करें तो आधार बटे लंब जब हम करते हैं तो कॉट थीटा हो जाता है, लंब बटे आधार कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, टेन थीटा हो जाता है। तो दिस इज शोइंग द वेरी बिग डिफरेंस। तो अगर हम मैं चाहूं सर तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, कि अगर मैं चाहूं साइन बराबर वन अपॉन कॉसेक लिख सकता हूं, वन अपॉन कॉसेक, बताइए मुझे कि ये लिख सकता हूं, है ना। साइन को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, इनवर्स अपोजिट है, इनवर्स अपोजिट है, है ना। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं इसको कैसे लिखाऊं सर, इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, तो कैसे लिखाऊं। तो सबसे पहले ये चीज समझ में आई आपको ट्रिक, कि आपको क्या लिखना है, पेपर में जाके लाल बटे कक्का लिखना है और आप पूरे रेशियो को इजीली निकाल पाएंगे। कि अगर सिर्फ यहाँ पर आपको साइन कॉस टेन लिख देना है, नीचे पे आपको कॉट सेक और कॉसेक लिख देना है, इधर से आगे बढ़ना है, इधर पे नीचे पे और इधर से इस साइड से आगे बढ़ना है। तो यहाँ से बस आपको अब डायरेक्टली बस आप लोग रेशियो बता पाएंगे, बिल्कुल चुटकियों में, बिल्कुल सेकंड्स में आप लोग इसका रेशियो बता, कि सर साइन का होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है बेटा आधार बटे कर्ण, और इसका होता है लंब बटे आधार। तो इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली इसको बता पाएंगे, ठीक है। एक मिनट। तो बेटा आप लोगों ने यहां से बहुत इजीली क्या कर लिया, इसको बता पाए। अब इसी के बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं। हाँ, अब आप लोगों के मन में सर ये कैसे आया, ये आपने कैसे लाया, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये चीज समझ में आई तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं वन बाय वन ये कैसे आ रहा है। तो मैंने अभी बात किया कि हम लोग लिख सकते हैं साइन को, क्या लिख सकते हैं हम लोगों ने साइन को क्या लिखा था बेटा, वन अपॉन कॉसेक थीटा, इसको थीटा लिख लेना, बिना एंगल के साथ इसको सो मत, वो मत करना, यूज मत करना। तो यहां लिखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। कैसे सर, स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे, है ना। तो कैसे को मैं बताता हूं कि क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि साइन बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। कैसे, लाल बटे कक्का में आ जाओ, लाल बटे कक्का में आ जाओ, अगर ये तो साइन, ये तो कॉस, ये तो टेन, ये तो कॉट, ये तो सेक, ये तो कॉसेक, है ना। यहां से आपने इसको नोट कर लिया, तो साइन क्या हो रहा है, लंब बटे कर्ण हो रहा है। और इसी को अगर मैं लंब बटे कर्ण की बात करूं और अगर मैं यहां इसको वन अपॉन कर्ण बटे लंब लिख सकता हूं,
इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लंब को मैंने क्या कर लिया, यहां से इसके रेशियो में ला लिया नीचे। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है। अब इसको क्या होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे लंब की बात करूं तो वन अपॉन ये हो गया कॉसेक थीटा, है ना। लंब कर्ण बटे लंब तो कॉसेक होता है ना, तो ये लंब बटे कर्ण क्या हो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन कॉसेक थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो यहीं से इसी बेसिस पे अब आप सारे जो है इनको इस तरीके से जमा करके लिख सकते हैं कि सर कैसे, कि अब हम वन बाय वन सारे एंगल्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यहां पर साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, वन अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। उसी के बाद हम लोग कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, तो हम कॉस को भी लिखेंगे सर, कॉस को लिखना जरूरी है, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। इसके बाद में हम लोग थर्ड नंबर पे देखते हैं टैन थीटा, तो टैन थीटा किसके अपोजिट है, वन अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको एक दूसरे के क्या लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। अब मैंने ये लिख दिया, अब ये पूरा मान गए कॉस कॉसेक सेक एंड कॉट, सर हमको भी लिखना है उस फॉर्म में, हमको भी बड़ा आना। तो अगर मैं यहां लिखू, फिर यहां से स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर मैं लिखू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम ऊपर लिखते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा सर, लिख सकते हैं ना। इसी के बाद अगर हम सेक थीटा की बात करें, तो सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसको भी लिख सकते हैं सर। इसी के बाद अगर मैं सिक्स्थ पॉइंट में बात करूँ कि वन अपॉन नहीं कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा। तो इस तरीके से हम सारे एंगल्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने रेशियो देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखा, कि हाउ टू रिप्रेजेंट द रेशियोज वो भी देखा, और सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कशन किया। तो वन बाय वन हमने सारी चीज़ों का डिस्कशन यहाँ पर किया। ओके, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आई और सारी चीज़ें आप सभी के लिए क्लियर हुई होगी, तो ठीक है। तो यहाँ तक मैंने पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितने भी चीज़ें होती है, जो जो रेशियो होते हैं, उन सारे रेशियोज को मैंने यहाँ पर डिस्कशन करा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और आगे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्लाइड को ऊपर करते हैं और नेक्स्ट इसमें देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आपको हेडिंग दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। सभी को पता होगा बचपन से, है ना, सारी चीजें पता होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअली होता क्या है, है ना। पाइथागोरस प्रमेय की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, तो किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, उन सुनिएगा ध्यान से, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में या किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का अगर वर्ग किया जाए, है ना, तो जो बची हुई दो अन्य भुजाएं वो उनके वर्गों के योग के बराबर होती है, है ना। तो जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये एक डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग उसमें दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस नाम का साइंटिस्ट आया जिन्होंने मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, खासकर मैथमेटिक्स में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में, मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में ही आती तो बोल सकते हैं। तो पाइथागोरस नाम का एक साइंटिस्ट आया जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में अपना कुछ स्टेटमेंट दिया और आज ये दुनिया में फेमस हो गया। इसने बोला कि जो पाइथागोरस प्रमेय स्पेशली होता है समकोण त्रिभुज के, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो ये स्पेशली होता है समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है सर, समकोण त्रिभुज होता है सर कि किसी तीन भुजाओं का एक त्रिभुज होता है जिसमें ये होता है आधार, और आधार और लंब के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कर्ण, है ना। कर्ण हो गया, आधार हो गया, और ये हो गया लंब। इसी को चलो एक इसको अच्छे से सजा देते हैं, इसको बोलते हैं हम ए, इसको बोलते हैं बी और सी। तो किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, है ना, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़े, तो किसी भी समकोण त्रिभुज की अगर मैं सबसे बड़ी भुजा की बात करूँ, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उस भुजा में, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि
सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। किसका वर्ग? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारी? कर्ण है, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? अन्य जो बची भुजाएं होती है, अन्य जो हमारी कौन कौन सी भुजा बची है, अब दो भुजाएं बची है, कौन कौन सी भुजाएं? एक ये हो गया BC और एक हो गया AC, AB। सर क्या लंब बचा है और हमारा आधार बचा है? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसमें बोला गया है कि जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है ये अन्य दो भुजाएं, जैसे क्या होता है, लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में अगर मैं बात करूं तो कर्ण का वर्ग क्या होता है? लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारा था स्टेटमेंट दिया उसने, किसने दिया? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय ने ये स्टेटमेंट दिया और व्हेन हम लोगों ने इसका यूज किया मैथमेटिक्स में, तो अब हम बड़ी बड़ी वैल्यूज फाइंड करने लगे। हम लोग फाइंड करने लगे पिरामिड का भुजाओं के बारे में, जैसे मिस्र में पिरामिड है तो उसके भी हम लोगों ने स्टेटमेंट निकाला। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत ज्यादा हुआ है ना। तो ये जैसे ही पाइथागोरस ने अपना प्रमेय लाया, अपना जो है वो दिया, थ्योरम दिया, इसके बाद से दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आए और हम लोगों को देखने वाला कि हम किसी भी अब त्रिभुज को देखते हैं तो उसको देखते समय हमारी जो है थिंकिंग एक अलग चीज शो करती। तो ये जैसे ही हम लोग इसको पढ़ा, अब इससे के बेसिस पे हमने बहुत सारी चीज़ों को निकालना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर बना है ये पूरा पाइथागोरस प्रमेय पे बेस्ड है और बहुत सारी चीज़ें, तो वन बाय वन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे जैसे जैसे इसमें बढ़ते। ठीक है, तो लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार के वर्ग के बराबर होता है। सर लिख तो दिए, अब सही है या गलत इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, सही है या गलत इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोनों के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया इसमें कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करिए। सर एक एग्जांपल लेते हैं, यहां लिखे पाइथागोरस प्रमेय एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज में जो है बड़ी भुजा जो है इसका मान है 5, है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं कितना है 5, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, बड़ी भुजा जो है 5 है, आधार इसका 4 है और लंब इसका 3 है ना। ये आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ए नाम दूं, इसको मैं बी नाम दूं और इसको मैं नाम दे दूं सी, तो इसमें क्या प्रूफ करना है बेटा कि हमको जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का वर्ग है वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर आता है या नहीं, क्योंकि ये इसका स्टेटमेंट था पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस ने जब ऐसा स्टेटमेंट दिया तो हम लोगों ने चलो अब मान रख के दे देते हैं। अभी ये चीज तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए होगा। कर्ण कितना है बेटा 5, 5 का क्या हो जाएगा वर्ग। आधार लंब कितना है इसमें 3, 3 का क्या हो जाएगा वर्ग। आधार कितना है इसी में 4, तो 4 का वर्ग। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दिया कि इस वाले क्वांटिटी में आधार जो है 4 है, लंब जो है 3 है और ये जो है 5 है, क्या कर्ण है ना। तो 5 का वर्ग अगर मैं निकालने जाऊं तो इसका आता है 25। अब अगर इधर भी 25 आ जाता है तो हम लोग समझेंगे कि पाइथागोरस ने क्या बोला बेटा, सही बोला कि जो स्टेटमेंट था पाइथागोरस का समकोण त्रिभुज के लिए ये था सही। तो समकोण त्रिभुज में ये 25 आ गया, उसके बाद अगर ये आ जाता है हमारा 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ से पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध होता है इस तरीके से। अब अगर बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आए, सर आपने जो वैल्यूज हैं वैल्यूज को चेंज कर दिया, तो वैल्यूज कभी भी समकोण त्रिभुज में सेम नहीं होगी, है ना। आधार और लंब की वैल्यू सेम हो सकती है लेकिन कर्ण की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी क्योंकि भुजाई बड़ी है,
कभी अगर तीनों भुजाएं समान है तो वो हमारे एक नॉर्मल त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का हमेशा बड़ा होना जरूरी। तो वहां से ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध किया और यहाँ से हमने पाइथागोरस प्रमेय को समझा। इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को डिस्कशन करने वाले। तो यहाँ से आप सभी को ये चीज समझ में आएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इसी पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसके जो है और चैप्टर कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसके जो भी क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आएगा। इसके बाद देखिए मैं कुछ बात कर रहा हूँ एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये एंगल्स हमको पता होगा जब भी हमारे जो भी साइन कॉस टेन कॉट सेक वाले जो भी क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से इजीली बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने सिर्फ रेशियो की बात किया था, है ना, जैसे साइन कॉस टेन कॉस सेक के जो भी रेशियोज थे हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया और उसमें मैंने सारी रेशियोज के बारे में बात की। अब क्या सर इसके एंगल्स होते हैं? तो ये देखिए ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट, ये आपके रिमेंबर प्रोसेस के लिए ही है क्योंकि ये क्वेश्चन ही इसी फॉर्म में आप सभी को याद करके बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एंगल्स की बात करूँ तो क्या होता है, जैसे मैं साइन की बात करूँ तो साइन 0 डिग्री पे क्या होता है, साइन 30 डिग्री पे जाने पे क्या होता है, उसी में जैसे साइन को अगर मैं 45 डिग्री पे ले जाता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होता है, 60 डिग्री पे ले जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, 90 डिग्री पे। तो वहाँ पर हम लोग वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद करना है। ठीक है, तो साइन जीरो की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो साइन अकॉर्डिंग टू कर्व ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको उतने हाई लेवल पे नहीं जाना है क्योंकि ये पीएटी के कोर्स में उतना ज़्यादा डीप में अगर हम पढ़ेंगे तो वो एक जेई लेवल का कोर्स होता है, उसमें हम लोग उसमें डीप में डिस्कस। साइन जीरो की वैल्यू होती है बेटा डायरेक्टली आपको देख लेना है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, तो इसको मैं पेन को यहाँ रख देता हूँ। ओके, तो वन बाय वन सारी वैल्यू उसको लिखते जाना है। तो बात कर रहा हूँ मैं साइन जीरो की, तो साइन जीरो की वैल्यू होती है बेटा जीरो, है ना, साइन जो स्टार्ट ही होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है जीरो। इसके बाद अगर मैं 30 डिग्री की बात करूँ तो 30 डिग्री पे हमारा जो साइन 30 होता है ये होता है 1/2, है ना, तो यहाँ पर आप 30 डिग्री पे 1/2 लिख लीजिए। इसी के बाद अगर मैं 45 डिग्री पे आऊँ तो 45 डिग्री पे साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, 1/√2, तो जीरो हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया। इसी में हम और आगे बढ़ते हैं तो और आगे बढ़ते हैं तो 60 डिग्री पे बात करेंगे तो √3/2। तो ये एंगल्स रख के हम लोग जो है इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं ना, एंगल्स को 1/1 पुट करते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सारे की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आपको तो बस चार्ट याद रखना है, तो मैं चार्ट में जैसे जैसे लिखाते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सभी को रिमेंबर करते हैं। उसी के बाद साइन 90 डिग्री की अगर मैं बात करूँ बेटा तो इसकी वैल्यू आती है 1, है ना, साइन 90 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू आती है 1। इसमें अब इसमें ट्रिक क्या होती है कि जैसे ही आप साइन का बनाते हैं तो इसमें कॉस में पूरी चीज़ें वापस आ जाती है ना, कॉस इसके अपोजिट होते तो कॉस 0 डिग्री में आ जाएगा 1, है ना। उसी के बाद कॉस जहाँ 30 डिग्री था कॉस 30 डिग्री में साइन 60 की वैल्यू आ जाती तो ये आ जाती है हमारी √3/2, है ना, विजिबल है आप सभी को कि √3/2। तो ये आ गया हमारा √3/2। इसके बाद 45 की बात करें तो 45 में जो ये 1/√2 ही होता है, इसके बाद ये हो जाएगा 1/2 और ये हमारा आ जाता है कॉस जो है 90 डिग्री पे जीरो होता है। ठीक है, ये यहाँ से हम लोगों ने दोनों चीज़ों को देख लिया। अब बात करूँगा मैं टेन में कि अगर मैं टेन 0 डिग्री की बात करूँ तो टेन 0 डिग्री में जो वैल्यू होती है बेटा ये होती है आपकी जीरो। ठीक है, टेन 0 डिग्री में जो टेन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है जीरो। उसके बाद आपकी होती है 30 डिग्री पे 1/√3। ठीक है, 45 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे अगर हम आते हैं तो √3 होता है और यहाँ पर आपकी आती है इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि अपरिभाषित, क्योंकि टेन का जो कर्व बनता है वो इसी तरीके से बनता है ना, पहले जीरो से स्टार्ट होता है फिर आपकी 1/√3 में जाता है फिर 1/√3 एंड इन्फिनिटी। अब आपको एंगल्स यहीं तक पढ़ना है ना, 90 डिग्री तक ही आप लोगों के लिए सफिशियंट है। जैसे आप 180 में जाते हैं 180 डिग्री वगैरह में तो वो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, तो उतना हमको लेवल अपग्रेड नहीं करना है अभी पीएटी। ठीक है, कॉट की बात करूँ तो फिर रिपीट हो जाएगा, तो कॉट में ये इन्फिनिटी ये हो जाएगा,
फिर यहाँ पर आ जाएगा √3, है ना। तो cot 30 की वैल्यू होती है √3, इसी के बाद 45 की वैल्यू 1 होती है। इसमें जैसे ही मैं इधर पे आता हूँ तो cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से हमने टेन और कॉट की भी वैल्यू देख लिया बेटा। तो ये चार्ट मेरे को हम लोगों को 1 by 1 डिस्कस। इसके बाद मैं सेक में बात करूँ तो सेक जो स्टार्ट होता है 0 डिग्री पे, ये 1 पे स्टार्ट होता है ना। सेक 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं तो ये होता है हमारा 2/√3, 30 डिग्री पे 2/√3 होता है। इसी में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो 45 में ये हो जाता है 2, ठीक है। 45 डिग्री में ये हो जाता है 2। उसके बाद नहीं, 45 डिग्री में √2 हो जाता है। इसके बाद ये 2 हो जाता है कहाँ पर, 60 डिग्री पे। जैसे ही हम लोग जाते हैं 60 डिग्री एंगल पे जो सेक की वैल्यू होती है, सॉरी सेक की जो वैल्यू होती है 2 हो जाती है ना। इसके बाद में ये 0 हो जाता है। 90 डिग्री पे इन्फिनिटी हो जाता है आई थिंक। हाँ, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू लिखते हैं। फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं किसमें, कॉसेक में, है ना। इसको रिपीट कर देते हैं हम लोग कॉसेक में। तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू हमारी आती है इन्फिनिटी, ठीक है। कॉसेक 0 डिग्री की हमारी वैल्यू आती है इन्फिनिटी। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 कहाँ पर, cosec 30 डिग्री पे। इसके बाद जो 45 डिग्री पे, ये भी सेम होता है √2 हो जाता है। 60 डिग्री पे बात करूँ तो ये हो जाएगा 2/√3। और इसी में कॉसेक में अगर मैं बात करूँ 90 डिग्री पे बेटा तो ये हो जाएगी 1। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे एक चार्ट प्रिपेयर किया, और ये चार्ट को आप सभी को रिमेम्बर रखना है ना। ये चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में इसको पूरे तरीके से बना लीजिए। अब इसी के बेसिस पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री ये पूरी हमारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसका जो मेन पोर्शन था यहाँ से अब वो स्टार्ट होने वाला है ना। तो अब ये चार्ट को बना लीजिए। अब इसके बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसके बाद कि, और डायरेक्टली बस आपको क्या करना है कि आपको जैसे पूछा sin 30 दिया हुआ है, उसी के साथ में मल्टीप्लीकेशन करके cos 30 दे दिया है। तो ये वैल्यूज अगर आपको पता हो तो आप डायरेक्टली वहां पर पुट कर लेंगे, और डायरेक्टली आप लोग वहां वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी मैं एग्जाम्पल 1 by 1 करवाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको सारी चीजें जो है डीप में और डिस्कस करूंगा। तो आपको ये चार्ट याद रख लेना है ना। चार्ट को आपको याद करना है, कैसे याद करना है सर, तो इसको लिख लिख के याद करिए। 2-3 बार लिखेंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है इजिली याद हो जाएगा। चार्ट याद है तो इसके बेसिस पे आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में चार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। चार्ट के इससे ही आप सभी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप सभी को बनाना है, ठीक है। तो आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन cos 30 डिग्री + sin 60 डिग्री, ठीक है। अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा कि क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है बेटा cos 30 डिग्री + sin 60 डिग्री। अभी हम लोगों ने देखा कि cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती। तो अगर मैं cos 30 डिग्री की वैल्यू की बात करूँ तो ये होती है बेटा √3/2, और sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये भी होती है सर हमारी √3/2। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये एलसीएम जैसे ही हम लोग ले तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगी, अब 2 हो गया, तो इसमें सॉल्व करते समय अब ये कटेगा भी नहीं, तो ये √3+√3 हो जाएगा, है ना। √3+√3 ये क्या आ गया हमारा, 2√3 × 2। जब भी कोई संख्या अंडर रूट में है तो अंडर रूट से अंडर रूट कभी जुड़ता नहीं है, ठीक है, भले ही वो सेम क्यों ना, लेकिन जो इसके सामने की जो संख्याएं होती है जो मल्टीप्लीकेशन में 1 होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो 2√3 हो गया, और 2 से 2 क्या हो गया बेटा, यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया √3। तो यहाँ से आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, √3। तो यहाँ से ये क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अब ये पूरे चार्ट के बेसिस पे बन रहे हैं ना। जो अगर आपको चार्ट रिमेम्बर है तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं इसलिए। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम इसमें 1 by 1 कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं, और इसको ये वाले इस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसमें और एक दो क्वेश्चन और लेके आया है तो उसको मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के बाद एक क्वेश्चन और है, तो इस क्वेश्चन को लिखेगा,
इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो है देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये टेन स्क्वायर 35 डिग्री, नहीं टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताना है हमको। यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन है, इसमें आप सभी को वैल्यू पुट करना है और डायरेक्टली इसका मान बताना है। अब देखिए कैसे आती है इसकी वैल्यू, कैसे आती है। अभी हम लोगों ने देखा कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री में हमने एंगल देखा। तो हमको सर tan 30 की वैल्यू मालूम है ना, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है वो मालूम है। तो tan 30 की वैल्यू मालूम है और tan 45 की वैल्यू मालूम है, तो वो दोनों को वैल्यूज को हमको कर देंगे हम लोग वन बाय वन पुट कर देंगे। और स्क्वायर दिया है सर, तो स्क्वायर में हम लोग दोनों के ऊपर पे स्क्वायर लगा देंगे और उस बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√3। अब 1/√3 होती है सर, इसमें दिया है स्क्वायर, तो यहाँ पर आप इसको स्क्वायर लिख लीजिए। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो 1/3 हो जाएगा सेपरेटली इसमें, और 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 3 1+3 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आ जाएगा 4/3। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4/3। तो इस तरीके से आपको अब क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको उस चार्ट की सारी वैल्यूज पता है तो आप इसको सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्या कर पाएंगे, सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे, कि अगर आपको उस चार्ट की वैल्यू पता, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज देखा, इसके कुछ क्वेश्चंस किए, और इसी के बेसिस पे मैं अभी कुछ क्वेश्चंस जो है पीडीएफ में अपलोड करवाऊंगा एप्लीकेशन पे, तो वहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी बहुत अच्छे से और प्रैक्टिस कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर आज की क्लास को एंड करते हैं, और ये सारे हम लोगों ने टॉपिक्स पर डिस्कशन किया, तो आज पूरी चीज़ें आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक है। इसी के बाद मैं अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस भी है जो मैं कल डिस्कस करूँगा, ये कल इसको और डिस्कशन करेंगे इसमें, तो देखते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन कल मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले डिस्कस करूँगा। कल की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स पे देखेंगे कि अगर 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है, 90 प्लस थीटा होता है तो क्या होता है, 180 डिग्री प्लस थीटा करें या 180 डिग्री माइनस थीटा करें तो उस बेसिस पे क्या होता है, वो 1/1 हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।